नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यात्रियों से भरी बस पलट गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना से सटे पटना सिटी के दीदारगंज थाना इलाके के 4 लाइन NH 30 के पास यात्रियों से भरी बस अचानक सड़क पर पलट गई, जिसके बाद बस में सवार यात्री पलटी बस में फंस गए। आपको बता दें कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी कायम हो गया। फिलहाल स्थानीय लोगों के सहयोग से बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में लगभग आधा दर्जन यात्री घायल भी हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बाकी सभी यात्रियों को दूसरे सवारी गाड़ी पर बिठाकर सकुशल उनके घर पटना पुलिस ने भेज दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यात्रियों से भरी बस पलट गई। आगे का बस का चक्का टूट गया है और डिवाइडर पर भी बस चढ़ा हुआ है। इस दुर्घटना के बाद बस के चालक और खलासी दोनों फरार हैं और फिलहाल क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटाया जा रहा है, जिससे कि यातायात प्रभावित ना हो। घटना घटी थी कि हमको सड़क से सूचना मिला कि पटना से जो नवादा से पटना की गाड़ी आ रही थी बस, है ना, तो आपको सोनामा पुल, है ना, और डेलेक्टी से आप हमें यहाँ पर देखे संभावना है उसी के कारण जो है ना अनबैलेंस गाड़ी होकर के देखे। तो बस किस स्थिति में थी, कैसे निकाला गया यात्रियों को? कितने लोग इंजर्ड पता चला जानकारी में शुरुआत? और बाकी सब सुरक्षित है, बस के द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर भेजा गया। कैसे घटना घटी, क्या देखे तो? वो तो आपको पता नहीं है। कहाँ से चले थे, क्या हुआ, कुछ देखे होगे ना? हम लोग सो रहे थे। हाँ, हम लोग सो रहे थे। उसके बाद नींद टूटी तो क्या देखा? पार्टी मार रहा है। उसके बाद कितने लोग घायल हुए थे? उसके पैर उसका मतलब टूटा हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।